चीन खुद पीओके भारत को सौंप देगा। आज पीओके यानी के पाकिस्तान के कब्जा किए कश्मीर पर सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि चीन का भी कब्जा है। चीन को अपने व्यापार को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक ऐसे रास्ते की जरूरत है जो छोटा और सुरक्षित हो। इस समय चीन जिस व्यापार मार्ग का उपयोग कर रहा है वो थोड़ा लंबा और असुरक्षित है। असुरक्षित इसलिए क्योंकि चीन ने अपनी नीति की वजह से कई देशों की जमीन और समुद्र पर कब्जा किया हुआ है, जिसके विरोध में उन देशों की कार्यवाही चीन के मालवाहक जहाजों के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसी खतरे से बचने के लिए चीन ने एक विकल्प ढूंढा है और वह है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी चीन को लगता है कि इससे चीन की दोनों समस्या सुलझ जाएगी। एक तो रास्ता छोटा हो जाने की वजह से लागत कम हो जाएगी और रास्ते में किसी भी हमले से सुरक्षा भी मिल जाएगी। पर यहां चीन के लिए एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है। CPEC का निर्माण भारत की जमीन पर उसकी इच्छा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध हो रहा है और ये दोनों देशों के बीच दुश्मनी की वजह भी बन रहा है। इसके अलावा भारत कभी भी CPEC को सफल नहीं होने देगा, जिस वजह से दोनों देशों में संघर्ष भी बढ़ेगा और चीन को सुरक्षा पर और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि भारत तो पहले से ही LOC पर पूरी तैयारी से डटा हुआ है। पर एक ऐसा तरीका भी है जिससे यह समस्या सुलझाई जा सकती है और दोनों देशों की दुश्मनी भी खत्म की जा सकती है। अगर दोनों देश आपस में बात करके कोई समाधान निकालना चाहे तो दोनों को भी फायदा हो, ऐसा विकल्प मौजूद है। चीन ने जिस वजह से पाकिस्तान को अपना दोस्त बना रखा है, अगर उसे वैसा ही विकल्प भारत में मिले तो, मतलब अगर भारत गुजरात के पास किसी एक बंदरगाह से चीन तक उसको एक रास्ता उपलब्ध करा दे तो चीन को पीओके की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद चीन और भारत के व्यापारी और रणनीतिक संबंधों में भी सुधार होगा। चीन के कश्मीर से हटते ही भारत को भी पीओके को भारत में मिलाने में आसानी हो जाएगी। पर इसके लिए भारत को अपनी बात चीन को स्पष्ट तरीके से समझानी होगी कि इसमें दोनों देशों का फायदा है। इकोनॉमी और रणनीतिक तौर पर दोनों देश बहुत तरक्की कर सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान चीन के लिए कोई खास मायने नहीं रखता। चीन को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ऐसे देश का साथ देना पड़ता है जो आज पूरी दुनिया में बदनाम है। इस समय दोनों भी देशों को इस तरह के किसी समाधान की जरूरत है जिससे दोनों देशों का विकास और फायदा हो, नहीं तो फिर सिर्फ युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ऑल वीडियोस पर टैप करें।